वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यान् विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो मनोजवं मात्कुल्यवेगं नितन्द्यं बुद्धियुतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरविद्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सौपे भूपरिशी सुत बहुविधि देयसी जननी भवन गए प्रभु चली नाई पदशीष। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया और प्रभु माता के माल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरषी चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीरे अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले कि कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। तावारिषि निज नाथि निज न चीन्हि विद्या निधि कहू विद्या दीनी जात लागन छुदा पिपाशा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तीज का प्रकाश हो आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आदि कंद मूल फल भोजन दिन भगति जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें पाया परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन। प्रातः कहा मुनि सन रघुराय निर्भय जाग्य करउ तुम जाई होम करण लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। निमारी चनी साचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फर बान राम ते ही मारा सत जो जन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह सौयोजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा
अनुज निशाचर कटकु संहारा मारी असुर द्विज निर्भयकारी आस्तुति करही देव मुनि छारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहा पुनि कछु का दिवस रघुराया रहे कीन ही विप्रण परदाया भगति हे तू बहु कथा पुराना कहे वे प्रजत्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु तो सब जानते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कौन सा दिन है आज? शुक्रवार। राम 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 राम। जगदंबिका कैमरा मैन आरती सुपर ओ मैं क्लिंग चामुंडाय विचे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को उज्ज्वल से दुनैना चंद्र बदन नीको जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कनक समान कलीवर रक्तांबर राजे राक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे हे हरि वाहन राजत खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी कानन कुंडल शोभित नाशाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति शुंभनि शुंभ विदारे महिषासुर घाती गम्र विलोचनि नैना निषदिन मद माती चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकैटव दुमारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरु बाजत ताल मृदंगा रुबाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता
अति शोभित खड़ग खपर धारी मनवांछित फल पावत सीवत नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर पाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रत्न ज्योति अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कौन से दिए ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जय मातेश्वरी आदिशक्ति गिरी आदिशक्तेश्वरी आदिशक्ति आदिशक्ति आदिजननी माता की ओम श्री माहेश्वर ओम श्री अन्नपूर्ण नमः ओम श्री गंगे नमः माँ विशालाक्षी नमो बंदी देवी नमो नमः मंगला गौरी नमो बगला मुखी नमो ओम श्री आदिजननी नमो महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी भ्यो नमो ओम श्री राधे ओम श्री